नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 5 स्टॉक्स में। आइए बात करते हैं कि मार्केट कैसा रहा है, कौन कौन से स्टॉक मूव कर सकते हैं और जो हमने कल लेवल दिया था वो कैसा परफॉर्म किया लाइव मार्केट में। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ मार्केट खड़ा है अभी 18027 पे, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, 140 के ऊपर निकलता है, तो इसे हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा, पहला होगा 184 और दूसरा होगा 242 के लिए। वही बात करें अगर पुट साइड के लिए, तो यहाँ जहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होगी और जो हमारा ये लेवल है 18000 का जो राउंड लेवल, इसके नीचे जाता है तो हम यहाँ 17930 के लिए आराम से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। वही बात करेगा बैंक निफ्टी की, तो जहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है, ये सिचुएशन से मार्केट यहाँ का रहा है 42506 पे। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाके 42707 के ऊपर जाता है तो इसे हम कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ऊपर का, जो पहला होगा वो 43000 का राउंड लेवल होगा, उसके बाद होगा 43140 के रिगार्डिंग। वही बात करें अगर पुट साइड के लिए कि पुट साइड में मार्केट क्या परफॉर्म करता है, तो जैसे 42453 के नीचे मार्केट निकलता है, हम इसे पुट साइड में एंट्री ले लेंगे। जो टारगेट होगा वो होगा 42295 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 42159 का। आइए बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक मूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल जो हमने मार्केट में स्टॉक दिया हुआ तो वो कैसा परफॉर्म किया। बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर में हमने बाई दिया हुआ था 407 के ऊपर। बाई तो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से, और टारगेट भी आपको दिया था, लेकिन जिन्होंने बुक प्रॉफिट बुक कर लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आ गया। बात करें अगर इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक 1204 रुपये के ऊपर बाई था, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1204 पे ओपन हुआ। बहुतों ने ट्रेड बना लिया होगा, बहुतों ने नहीं बनाया होगा, तो जिन्होंने नहीं बनाया होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अभी कल के रिगार्डिंग मार्केट में ट्रेड देख सकते हैं। वहीं बात करें UPL की, तो UPL पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो मेरा लेवल था, लेवल के ऊपर बाई था 749 के ऊपर, लेकिन 749 के ऊपर गया ही नहीं। और पुट साइड की बात करें तो 737 के ऊपर, तो पुट साइड में अगर ट्रेड एक्टिवेट भी हुआ तो करीब करीब 2:30 बजे ट्रेड एक्टिवेट हुआ, तो ट्रेड को 9 के बराबर मान के चलेंगे हम लोग। वहीं अगर एशियन पेंट की बात करें, तो एशियन पेंट में जो बाइंग था वो था 2872 के ऊपर, तो वहाँ तो गया ही नहीं, सीधे अपना जो सेलिंग साइड का जो लेवल था उसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ और नीचे ही रहा, ऊपर गया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं कल के रिगार्डिंग जो हमारे पास चार बेहतरीन स्टॉक हैं, उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में जब एंट्री लेंगे वो लेंगे 224 के ऊपर, जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 222 रुपये, जो टारगेट होगा वो होगा 227 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 2 रुपये का आपका स्टॉप लॉस, 3 रुपये का टारगेट है। वही बात करें अगर सेल साइड के लिए, 219.70 का जो है वो आपका सेलिंग लेवल है, स्टॉप लॉस रहेगा वो 220.80, मतलब कुल मिला के 1 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है, कोई 10 पैसे का टारगेट मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है आपको करीब करीब 2.5 रुपये का। वहीं बात करें अगर HDFC की, HDFC बैंक की, यहाँ पर आप देख रहे हैं HDFC बैंक अगर 1669 के ऊपर जाता है तो आप इसे बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1664, टारगेट रहेगा वो रहेगा 1675 और 1681। वहीं बात करें सेलिंग साइड के लिए, अगर सेलिंग साइड के लिए आप जो सेलिंग करेंगे वो करेंगे 1643 के नीचे, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1650, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1633 और एक टारगेट रहेगा वो रहेगा 1628। वहीं बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस भी आप देख सकते हैं 1530 रुपये के ऊपर भाई करेंगे, 1524 का एसएल रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1540, जो सेकंड रहेगा वो रहेगा 1550। बात करें अगर सेलिंग साइड के लिए, सेलिंग साइड में जो टारगेट रहता है वो रहता है 1519 रुपये का, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1525 रुपये, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1507 रुपये और 1500 का सेकंड टारगेट। बात करते हैं अगर सिप्ला के रिगार्डिंग, सिप्ला बाई करेंगे वो करेंगे 1058 के ऊपर बाई करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1055 का, 3 रुपये का सिप्ला में स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1064 का, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 1067 का। बात करें अगर सेलिंग साइड के लिए, सेलिंग साइड के लिए जो आपका लेवल एग्जीक्यूट होगा वो होगा 1050 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1055
जो टारगेट नीचे के लिए रहेगा वो पहला तो रहेगा 1044 का, और उसके बाद नीचे के लिए आप 1040 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम लाइव मार्केट में उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई लर्निंग का वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बताएगा कि कौन कौन सा लर्निंग वीडियो आपको चाहिए, तो वो हम आपको लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।